दो बार विधायक रहे और दो बार राज्यसभा के सांसद रहे शादीलाल बत्रा से आज हम जानेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस की हालत इतनी पतली कैसे हो गई कि 90 में से विधानसभा चुनाव में 90 में से मात्र कांग्रेस 15 सीट ही जीत पाई। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं पूनम सिंह कथुरिया और आज हमारे साथ है दो बार राज्यसभा सांसद रह चुके शादीलाल बत्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। 40 साल हुए, 40 सालों में हरियाणा का विकास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हुड्डा सरकार आई उस टाइम में हरियाणा का विकास हुआ और खासकर कहें कि रोहतक की तो काया ही पलट हो गई। लेकिन उसके बाद क्या कारण रहा कि कांग्रेस के जो विधायक रहे भारत भूषण बत्रा वो विधानसभा की जंग जीत ही नहीं पाए? इसके लिए मैं व्यक्ति विशेष के लिए तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा जी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जनता का आदेश सबसे ऊपर है जी, सर्वप्रिय है जी, और उन्होंने कोई आदेश दिया तो वो आदेश तो मानना ही होगा, कहीं ना कहीं जी सर कोई ना कोई कमी रही होगी और उसके कारण ये परिणाम देखना पड़ा। और ऐसे अक्सर होता ही है कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे होता है तो एक धारणा सी बन जाती है और उस धारणा के तहत ये काम हो जाता है। लेकिन अगर आप देखो तो जैसे आपने कहा कि रोहतक की कायाकल्प हो गई, हाँ जी हो गई, तो फिर जनता को क्या चाहिए था? जनता को तो विश्वास करना चाहिए था कि भाई ये जो हुआ है जो 1966 से लेकर अब तक नहीं हुआ था जी, और यहाँ तक हो गया था कि भाई ये रोहतक के तो कुछ है ही नहीं, नाम लेवा ही नहीं बचा था, हाँ जी हैं, और रोहतक की पार्लियामेंट सीट खत्म हो गई थी, करण और जो मेरे गृह क्षेत्र है हाँ जी, वो असेंबली खत्म हो गई थी जी, और जब हम गए थे तो जनता से एक ही कहे थे कि एक मौका दो, हम देखना चाहते हैं कि हम रोहतक के लिए, जनता के लिए या करण और हल्के के लिए क्या कुछ क्या कर सकते हैं। गए, हरियाणा सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन में मुझे भेजा जी, बाकी साथी और भी थे, तो हमारा सबसे पहले जो उद्देश्य पूरा हुआ ये हुआ जो हमने केस रखा, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी मैं, तो ये कि रोहतक की पार्लियामेंट सीट रिवाइव हो गई और करण और की असेंबली सीट भी रिवाइव हो गई हैं, क्योंकि संख्या के जो आधार पर ये रिजर्वेशन हुई थी वो रिजर्व हो गई, हमने कहा कोई बात नहीं जी सर, जी सर। तो ये बात नहीं होती, लेकिन आज भी अगर हरियाणा के विकास का इतिहास देखो जी, तो वो जो 10 साल का पीरियड था, हाँ जी, हुड्डा कार्यकाल का जो 2005 से लेकर 2014 तक जी हैं, वो एडिक्टिव था, उसका मुकाबला कोई भी पीरियड नहीं कर सकता। और आज जो 5 साल का हुआ है वो तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है कि समझ नहीं आई क्या हुआ जी सर। मैनिफेस्टो आया था और वहाँ 154 आइटम थी, लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई जी। सर, जो हुड्डा कार्यकाल रहा, विकास हुआ, रोहतक की काया पलट हो गई, सब कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक और बात जो है लोग कह रहे हैं दबी जबान में हम कहें तो, कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के प्रचार प्रसार की बजाय अपना ज़्यादा वक्त जो है कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर को हटाने में लगवा दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें कुछ नहीं है, मेरे विचारधारा किसी से ना भी मिले जी और उनकी ना मिलती हो तो उनका कुछ आगे नहीं, वो पब्लिक में कुछ नहीं कहा, इंटरनल पार्टी की होती है बात कर लें, और उसके बाद इस पर उसका कोई असर नहीं था। और 2014 में मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, 2019 तक नहीं थे, वो विचारधारा है कि किन विचारों में हमारा मेल होता है और किन विचारों से नहीं जी सर हैं, तो वो विचार के मतभेद थे, वो सिर्फ विचारों का टकराव था, विचारों का टकराव था, विचारों का मतभेद था और कोई मनभेद नहीं था। पार्टी तो हमारी एक है और एक ही पार्टी से हम चलते हैं, सोनिया गांधी हमें अध्यक्ष थी, पहले राहुल गांधी जी थे और वहीं से चलते हैं, आज भी वही है जी। आज भी तंवर जी हैं, मोड्डा साहब हैं, शैलजा जी आ गई हैं, ये तो साइकिल है, चलता रहेगा, चलता रहेगा जी सर। लेकिन सर अगर हम बात करें राज्य जिला स्तर की, कांग्रेस ने
उचित समय पर उचित फैसले नहीं लिए, कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे कि गड़बड़ हुई। और जिला स्तर पर अगर हम देखें तो संगठन कभी मजबूत हो नहीं पाया और कोई कमेटियां भी नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि तंवर जी 5 साल तक रहे जी, तो ना PCC बनी, ना DCC बनी जी, ना ब्लॉक बने। और इस वजह ये हो गया था कि जितने तक किसी के ऊपर जिम्मेवारी सौंपी नहीं जाए तो कोई भी कार्य नहीं करता, नहीं होता। और ये नहीं हुई तो इस 5 साल में हम जो थोड़ा बहुत पिछड़े हैं उसका कारण एक ही था कि हम किसी को भी कोई पद दे नहीं सके, उसकी ड्यूटी नहीं लगा सके और उसने भी अपना कार्य इस प्रकार नहीं किया कि जैसे एक सच्चे कांग्रेस को करना चाहता था, क्यों वो कहते थे मेरा क्या अधिकार है, एक संगठन के रूप में संगठन नहीं हुआ और कमजोर हुआ जी सर। अगर सर आज हम बात करते हैं भाजपा की, भाजपा फिर से जाट और नॉन जाट का मुद्दा लेकर आई है। अभी पिछले दिनों जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में जो जाट आरक्षण हुआ था उसमें जो हिंसा हुई उसकी गेंद फिर से हुड्डा पाले में फेंक दी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है कि जो व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता नहीं दिखा सका है, वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगा के अगर जीना चाहे तो कैसे होगा जी। मैं इसके थोड़े एक देना चाहूँ, बताना चाहूँगा आपको कि ये जो घटना आरक्षण की हुई, रोहतक की जनता उसमें इन्वॉल्व नहीं थी जी। यहाँ धरना कराया गया, कोई बात नहीं, धरना हो गया। उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से थी, उनकी लड़ाई हाई कमांड से थी, ऊपर की थी, कोई बात नहीं। लेकिन जब इन्होंने सोचा कि भाई ये काम ऐसे नहीं होगा तो इन्होंने मिलिट्री बुला ली जी। मिलिट्री का फ्लैग मार्च भी हो गया, फ्लैग मार्च होने के बाद 144 भी लग गई। और उस वक्त हमारे भाई ये सोच के कि 144 भी लग गई है, मिलिट्री भी आ गई है, वो घर में चले गए। और उस जो मिलिट्री आई थी उसके सामने दुकानें लुटती रहीं। और जब उनसे कहा गया तो वो कहेंगे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन नाम तो रोहतक की जनता का है ना, कि रोहतक की जनता ने ये हिंसा की। मैं बताता नाम रोहतक की, तो जो हमारे प्रशासक शासक थे ये सुरक्षा प्रदान करना तो उनका काम था ना जी जी, है हमने आपस में थोड़ी लड़ाई लड़नी थी जी है। तो वो प्रशासक और शासक क्या कर रहे थे उस वक्त, हमारे जो आदरणीय विधायक जी हैं वो रोहतक छोड़ गए थे हैं, उनका परिवार चला गया था जी, यहाँ DC चला गया था, SP चला गया था, कमिश्नर चला गया था, IG चला गया था, कोई आदमी नहीं था जी। अच्छा, और ये उनको खुली जो है असामाजिक तत्व थे, एक खुली छूट थी जो करो करो। अगर उस वक्त मिलिट्री ने कोई एक्शन ले लिया था जी, तो आज भला ही एक दो का यानी मुश्किल गुजर जाते, एक्शन हो जाता, लेकिन बाकी नहीं मरते। उस एपिसोड में 60 आदमी मरे थे जी सर हैं। तो ये पहली बार है कि भाजपा की सरकार में 3 घटनाएं हुई थी, रोहतक की हुई थी, पंचकूला की, पंचकूला की हुई थी और राम रहीम जी की हुई थी। ये तीनों कानून व्यवस्था का ठीक ना होने से और अपना फैसला ठीक ना करने से ये हो गई थी जी सर। थोड़ा एक इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस सरकार की कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और जो भी निर्णय करते हैं वो निर्णय सिर्फ हवा में करते हैं। अब पिछले महीने में 5,000 वैकेंसी भरनी थी, 15 लाख बच्चे आए जी हैं, और 15 लाख बच्चों का अगर यहाँ है तो 250 किलोमीटर दूर बता दिया। हाँ जी। उन बच्चों के पास अपनी कारें थी नहीं, अपने व्हीकल नहीं थे, ट्रांसपोर्ट से सरकार ने ट्रांसपोर्ट अरेंज नहीं की तो फिर क्या हुआ? एक आध बच्चे का तो दम घुटके जो गाड़ी में बैठे थे मर गया जी, जी। 2 बच्चे एक्सीडेंट में मर गए, वो अपने मोटरसाइकिल पर चल रहे थे, 10 आदमी कैंटर से टक्कर लग गए थे। ये क्या चीज़ थी? अगर आपने निर्णय ले लिया है कि 250 किलोमीटर दूर जाएं तो उनको व्यवस्था तो कर दो कि वो किस साधन से जाएंगे। और ये भी आपके पास पता था कि 15 लाख बच्चे जाएंगे, तो 15 लाख के लिए क्या व्यवस्था की वहाँ? अगर वो छोड़ दें तो उसके बाद थोड़े और देखें कि यहाँ मर गए। और फिर आप ये कह सकते हैं कि बाद में ये कहने लगे कि भाई अगली बार जी हम स्टेशन नज़दीक रहेंगे,
इतिहास में आपने ममन तुगलक का नाम सुना होगा, पढ़ा हो, पढ़ा हुआ था। ममन तुगलक के फैसले ऐसे तो थे कि फैसला हो गया राजधानी चेंज कर दो जी। और राजधानी चेंज करनी है कर दो, लेकिन जनता को ऑर्डर हो गया कि आप वहाँ चलो, जाके मर गए वो चली नहीं, ऑर्डर हो गया वापस आ जाओ। तो कुछ जाते मर गए थे, कुछ आते मर गए थे, बात खत्म हो गई। लेकिन सर ये भी तो देखिए ना, आज कुछ बहुत सारी पार्टीज के विधायक जो हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। सब कहते हैं कि भाजपा तुगलक ही है, लेकिन कुछ लोग अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। क्या वो उन लोगों का निजी स्वार्थ है या फिर पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही इसलिए जा रहे हैं? पार्टी कांग्रेस से ऐसा कोई नहीं गया है, वो गया हो, लेकिन निजी स्वार्थ कह जाते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई मृग तृष्णा है कि वहाँ जाके कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए हैं, और कुछ नहीं, और फिर वापस भी आ रहे हैं। मैं रोहतक की एग्जाम्पल है, एक हमारी पार्षद गई थी हैं, वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और आज से 4 दिन पहले वो वापस भी आ गए, वापस भी आ गए। तो ये नहीं है, ये तो एक जनता का है, जनता के जाने कर लो। लेकिन ये जो आपने संज्ञा मोहम्मद तुगलक से कर रहे हैं, ये जो उसकी थी वाइजेस्ट फूल, अब ये कहते हैं कि मुझे अनुभव नहीं है। उस पर या फिर आप किसी और का नाम सजेस्ट करेंगे कि उस सीट पर कोई और चुनाव लड़े? ये ऐसी नहीं है, मेरी एज हो गई है जी। मैं अब चुनाव की राजनीति ना करके पार्टी के साथ सक्रिय होकर पार्टी में चलूंगा, जनता की सेवा करूंगा जी। अगर पार्टी किसी कारण भी ये कहती है कि आपने चुनाव लड़ना है, तो चुनाव से कोई ग्रेज नहीं, जनता से प्यार दूरी नहीं है, वो वही प्यार बना हुआ है। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि मैं जाके और कोई नया आ जाए तो मुझे उसमें खुशी होगी, और कोई बात नहीं। लेकिन जन पार्टी कहेगी तो पार्टी का आदेश मानना सर्वोपरि रहेगा, सर्वोपरि। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने सुना कि शादीलाल बत्रा जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ समाज के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वो पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और पार्टी का फैसला ही उनके लिए सर्वोपरि है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।